हेलो। हाँ सर, आपका ये मैसेज आया हुआ है कि आज मेरा पैन कार्ड बंद हो जाएगा, लास्ट डेट है आज। जी सर, मैं पैन कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सर, आपको अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा सर। क्या सर, मतलब आज मेरा पैन कार्ड बंद हो जाएगा अगर नहीं लिंक हुआ तो? जी सर, आज आपका 11 बजे के समथिंग, अगर आपने 11 बजे से पहले ही अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड यहाँ से बंद कर दिया जाएगा और बाद में सर आप कहीं से बनवा भी नहीं सकते हो। अरे सर, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? सर ये गवर्नमेंट की तरफ से सर निकला हुआ है, सर हम नहीं कर रहे हैं। तो सर सारे लोगों को कॉल किया जा रहा है। सर मेरे पास नहीं आई है। सर आपके पास भी आएगी, कब आएगी? लास्ट डेट आज है तो अभी तक आई नहीं। देखिए सर, जिनसे बात हो रही है आप उनसे हमारी बात करवाइए। क्या मेरी अभिषेक जी से बात हो रही थी? हाँ जी, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। जी अभिषेक जी, आपको अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर। अच्छा सर, तो सर कर दीजिए ना, आप किस लिए हैं, कर दीजिए। जी सर, हाँ इसीलिए आपको कॉल की गई है कि आप कहीं और तो करवा नहीं सकते इतनी जल्दी, इसीलिए सर आप ऐसा करिए, आप हम यहाँ से आपका जो पैन कार्ड है उसमें हम यहीं से आधार कार्ड आपका लिंक किए दे रहे हैं। हाँ सर, तो लिंक कर दीजिए सर। जी सर, वहाँ पर देखिए आप क्या है कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर भेज दीजिए और पैन कार्ड का नंबर भेज दीजिए हमें, या फिर यह करिए आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो खींच कर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। यहाँ से आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में मैं आधार कार्ड लिंक किए दे रहा हूँ। अच्छा सर, तो आधार कार्ड का नंबर बताना है? जी सर, आधार कार्ड का नंबर बता दीजिए। अच्छा सर, नंबर सर मुझे मालूम है, मुझे याद है नंबर सर, लिखिए आधार कार्ड का नंबर मेरे। जी सर बोलिए। लिखिए सर। जी सर बोलिए। 7235 7235 95 98 74 35 74 35। ओके सर, आपको अब ऐसा करिए आप पैन कार्ड नंबर बता दीजिए। पैन कार्ड का लिखिए सर। जी सर बोलिए। पैन कार्ड का नंबर है जी एफ एफ डी पी के 94 94 48 48 के के। ओके सर, वेट करिए, मैं अभी यहाँ से रजिस्ट्रेशन की दे रहा हूँ। जी सर, अभी आपके पास 10 सेकंड के अंदर वहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, ठीक है? अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप हमें बता देना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। जी सर, एक सेकंड रुकिए सर, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा मेरे फोन पे। जी सर, वहाँ पर देखिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा, वो सर आप हमें बता दीजिए। सर कुछ नहीं आया अभी इस पे। अभी तो सर मेरे पे कोई मैसेज ही नहीं आया, केवल यही मैसेज आपका पहले का आया हुआ है जिसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इसमें कहा गया था कि आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा, कॉल करके इमीडिएटली संपर्क करें। अच्छा सर, ओके सर, आप वेट करिए, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ पे, अभी पहुँच जाएगा। नहीं सर, नहीं आया, मैं देख रहा हूँ सर, नहीं आया। ओके सर, नहीं आया सर। आप आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। सर आपने हमें आधार कार्ड नंबर सही बताया था ना? हाँ सर, आधार कार्ड नंबर मैं गलत क्यों बताऊंगा, मुझे लिंक करवाना है तो मैं गलत क्यों बताऊंगा सर। सर पैन कार्ड नंबर भी आपने, सब एक बात देखिए वो सोच लीजिए, देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? अरे सर सही बताया है, मुझे याद है। जी सर, तो सर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर जाना चाहिए था सर, ऐसा नहीं है। देखिए सर, आप ऐसा करिए फिर से एक बार बोल दीजिए हमें। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, लिख लीजिए। ओके सर बोलिए। 7235 7235 95 98 95 98 74 35 74 35। हाँ सर, पैन कार्ड नंबर? पैन कार्ड नंबर लिखे GF GF DPK 94 94 48 K 48 K। देखिए मैंने फिर से वही बताया ना। जी सर। सर एक मिनट होल्ड रहेंगे। जी सर, एक मिनट सर। ये देखिए दोस्तों कैसे फ्रॉड कर रहा है, लोगों को चूना लगा रहा है और मैंने इसको गलत नंबर बताया है। देखिए कैसे लोगों को लूटते हैं, मैंने असली नंबर नहीं बताया और दोनों बार गलत बताया, दोनों बार मैंने गलत, दोनों चीजें आधार कार्ड पैन कार्ड सब मैंने गलत बताया है और ये कैसे लोगों को लूटते हैं देखिए किस तरीके से बता रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर आया है रजिस्ट्रेशन नंबर, OTP कैसे लेने की कोशिश कर रहा है। हम बात करते हैं। हेलो
हेलो हेलो हाँ सर जी सर, देखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा। अरे सर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं आया सर, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया सर। सर क्या बात आप कर रहे हैं सर, या फिर आप हमें आधार कार्ड नंबर सही नहीं बता रहे हैं, पैन कार्ड में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो चला जाना। सर आप बोल कहाँ से रहे हैं सर? आप मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली में सेक्टर 12 से बात कर रहा हूँ। नाम क्या है सर आपका? नाम है वैभव श्रीवास्तव। वैभव श्रीवास्तव जी? हाँ, आप हमारे। अच्छा मतलब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सेक्टर 12 से वैभव श्रीवास्तव। तो सर अगर हमारे से आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाना तो इसका डिटेल आपके पास होगा ना? हाँ हाँ। अरे डिटेल तो हमारे पास इतना थोड़ी ना रहता है, इतना डेटा हम लोगों के पास नहीं रहता है। सर हेड ऑफिस में तो आपको रखना चाहिए। इतना डेटा आज लोगों का नहीं रहता हमारे। अगर आप इसीलिए कंफर्म करवा जा रहा, देखिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, ठीक है आप कर दी, आप हमें बता दीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ से पैन कार्ड निरस्त किए दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, निरस्त कर हो जाएगा। अच्छा आपके पास मेरा डिटेल भी नहीं है और आप मेरा पैन कार्ड भी निरस्त कर देंगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बात को, किस तरीके से आप धमकी दे रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड अगर आप नहीं करवाया तो आपका ये निरस्त यहाँ पे कर दिया जाएगा। अच्छा ये ठीक है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डिटेल के कैसे निरस्त कर देंगे आप? सर क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर ये कैसा होता है, क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारी मैसेज पर गया होगा वहाँ पर। अच्छा तो रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा? सर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर हम डाल देंगे, बस क्या होगा कि आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाएगा? अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं या ओटीपी पूछ रहे हैं? हाँ वही ओटीपी। तो ओटीपी लेके फ्रॉड करते हैं लोग, सर पैसा निकालते हैं इनके अकाउंट से ना आप? ये काम कब से कर रहे हो? फ्रॉड किसे, ओटीपी लेके? सुनो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के नाम पर लोगों से आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर लेते हो और फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर का बहाना बता के